आज मैं आपके साथ फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फ्रूट कस्टर्ड एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी डिश है। इसे दूध और फलों से बनाया जाता है। अगर आपको बहुत ही कम समय में कुछ मीठा बनाने का मन कर रहा है तो ये आपके लिए बेस्ट डिजर्ट है, जिसे बड़े हो या बच्चे सभी काफ़ी पसंद करते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए मैं यहाँ पे ब्लू बर्ड का कस्टर्ड पाउडर का यूज कर रही हूँ, जो कि वनीला फ्लेवर का है। आप किसी भी ब्रांड का कस्टर्ड पाउडर का यूज कर सकते हैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम कस्टर्ड पाउडर और दूध का गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। अब हम बोल में 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर और 1/4 कप ठंडा दूध डालेंगे। आप नॉर्मल ठंडा दूध या हल्का गुनगुना दूध भी डालकर घोल तैयार कर सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर में दूध थोड़ा थोड़ा करके डालना है और अच्छे से मिक्स करते हुए घोल तैयार करना है। घोल तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि घोल में किसी भी तरह का लम्स नहीं होना चाहिए। कस्टर्ड पाउडर और मिल्क का गाढ़ा घोल बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि घोल का टेक्सचर बहुत ही स्मूथ बना है, इसमें किसी भी प्रकार का लम्स नहीं है। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई को गर्म करेंगे। कढ़ाई में 1/2 लीटर फुल क्रीम मिल्क डालेंगे और इसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। आप दूध को उबालने के लिए मोटी सतह वाली कढ़ाई या नॉन स्टिक पैन का ही यूज करें। दूध को उबालते समय बीच बीच में चलाते रहना है, ताकि दूध कढ़ाई में नीचे से चिपके नहीं। दूध में उबाल आ गया है, दूध के झाग को थोड़ा मिक्स कर देंगे। अब हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और दूध में 4 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम चीनी को दूध में चलाते हुए डिजॉल्व करेंगे। चीनी दूध में लगभग 4 से 5 मिनट में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा। चीनी दूध में अच्छी तरह से डिजॉल्व हो चुका है। अब हम दूध में कस्टर्ड वाला घोल को डालेंगे। घोल को एक बार में पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। कस्टर्ड वाला घोल डालते समय गैस का फ्लेम लो रखेंगे। घोल एक हाथ से डालेंगे और दूसरी हाथ से मिलाते रहेंगे, ताकि उसमें लम्स ना जाए। मैंने सारा कस्टर्ड वाला घोल डाल दिया है। अब हम इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 8 से 10 मिनट पकाएंगे। अगर आपको कस्टर्ड बनाते समय उसमें लम्स आ जाता है तो आप मिक्सचर को महीन जाली वाला छलनी से छानकर यूज कर सकते हैं, या कस्टर्ड में यदि लम्स बन जाता है तो उससे बचने के लिए गर्म दूध में कस्टर्ड वाला घोल डालने से पहले गैस के फ्लेम को बंद कर दे, फिर उसमें कस्टर्ड वाला घोल थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स कर ले। फिर गैस ऑन करके 8 से 10 मिनट लो फ्लेम पर मिक्सचर को पका ले। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा थिकनेस आने लगा है। अभी हम इसे लगातार चलाते हुए थोड़ा और गाढ़ा होने तक पकाएंगे। मिक्सचर को पकाते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। मिक्सचर का कंसिस्टेंसी फ्रूट कस्टर्ड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जब हम इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में डालेंगे तो ये और भी थिक हो जाएगा। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मिक्सचर को पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर ठंडा होने के बाद और भी थिक हो गया है। अब हम मिक्सचर में कटे हुए फलों को डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही 7 तरह के फलों को काट कर रखा है। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच रेड अंगूर, 1 बड़ा चम्मच अनार के दाने, 1 बड़ा चम्मच ग्रीन अंगूर, 1 बड़ा चम्मच ब्लैक अंगूर, 1 बड़ा चम्मच चीकू, 1 बड़ा चम्मच एप्पल और 1 बड़ा चम्मच केले को काट के लिया है। इन सभी फलों को मैंने अच्छे से धोने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इन सभी फलों को मिश्रण में एक एक करके डाल देंगे। सभी फलों को हल्के हाथों से मिक्सचर में मिला देंगे। आप फ्रूट कस्टर्ड में अपने मनपसंद फलों को ऐड कर सकते हैं।
आप इसमें आम, पपीता, कीवी और स्ट्रॉबेरी जैसे फलों को ऐड कर सकते हैं। बस आप इसमें ज़्यादा पानी वाले फलों को ना मिलाएं, जैसे ऑरेंज, वाटरमेलन, मौसमी जैसे फलों को ना मिलाएं, क्योंकि ये फल बहुत सारे पानी छोड़ते हैं, जिससे फ्रूट कस्टर्ड पतला हो जाएगा। अब हम इसे ढककर ठंडा होने के लिए फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। 3 घंटे के बाद मैंने फ्रूट कस्टर्ड को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। फ्रूट कस्टर्ड को हल्के हाथों से थोड़ा मिला देंगे और इसे सर्व करने के लिए सर्विंग बोल में निकाल कर इसके ऊपर में हम गार्निश करेंगे। मैंने यहाँ पर गार्निश करने के लिए लिया है 1 छोटा चम्मच अनार के दाने, 4 काजू, कटे हुए 4 पिस्ता, कटे हुए 3 चेरी, कटे हुए ग्रीन अंगूर, कटे हुए 2 ब्लैक अंगूर। ये सभी चीज़ें ऑप्शनल है, आप चाहे तो इन सभी चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों से फ्रूट कस्टर्ड को गार्निश कर लेते हैं। आप फ्रूट कस्टर्ड को गार्निश करने के लिए कटे हुए बादाम और टूटी फ्रूटी का भी यूज कर सकते हैं। ठंडा ठंडा स्वादिष्ट फ्रूट कस्टर्ड लंच या डिनर किसी भी खाने के बाद, या आपको इन गर्मियों में कुछ ठंडा मीठा खाने का मन कर रहा है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगा। फ्रूट कस्टर्ड सर्व होने के लिए तैयार है। आप इसे सर्व करने के लिए आइसक्रीम वाला कप या स्टील बोल में डालकर मेहमानों या परिवार वालों को सर्व करें। फ्रूट कस्टर्ड का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए वनीला आइसक्रीम या अपने पसंद के आइसक्रीम के साथ एंजॉय करें। यदि आपको यह रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।